भगवान का जीर्णोत्सव सावन मास का अयोध्या में विशेष महत्व है। अयोध्या सजी हुई है। अयोध्या के मठ मंदिरों में श्रद्धालुओं का ताला लगा हुआ है। हर कोई अपने आराध्य भगवान को झूलों पर देखने को आते हैं। मणि पर्वत मेले के दिन से पूरे सावन भर भगवान श्री राघवेंद्र माँ सीता के साथ झूले पर विराजते हैं। इस पल को हर भक्त अपने पुण्य लाभ के लिए गंवाना नहीं चाहता है। झूले पर विराजमान आराध्य भगवान को भक्त झूला झुलाकर अपने आप को धन्य मानता है। वहीं भगवान की सखियां इन पलों में कजरी गीत गाकर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हैं। अयोध्या के मठ मंदिरों में एक अलग सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। सावन में मेघ की वर्षा और भगवान श्री राघवेंद्र माँ सीता का झूलों पर आकर विराजना हर भक्त को भाव विभोर कर रहा है। अयोध्या के मठ मंदिर विभिन्न फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजे हुए हैं। भगवान के सजे झूले और इस झूले पर झूलते भगवान को देख भक्तों का मन आनंदित हो रहा है। अयोध्या पहुंचा हर एक भक्त इस पावन पल को छोड़ना नहीं चाहता। भक्त अपने आराध्य भगवान को झूला झुलाकर पुण्य का भागीदार होना चाहता है। यही कारण है कि झूले में बैठे भगवान को भक्त बिना झूला झुलाए मंदिर से बाहर नहीं जा रहे हैं। कहा जाता है कि जब सीता जी विवाह उपरांत अयोध्या आईं और सावन मास में अपने मायके ना जा पाईं, तब सीता जी ने जनकपुर में सखियां को बुलाकर अयोध्या में पेड़ के नीचे झूला लगाया था। उनके साथ भगवान राघवेंद्र पूरे सावन मास झूला झूल रहे थे। तभी से सावन मास में झूलोत्सव की परंपरा चली आ रही है। आज भी अयोध्या के मंदिरों सहित पेड़ों पर झूला डालने की परंपरा है। मणि पर्वत मेले के दिनों से मंदिरों में विराजमान भगवान का विग्रह अपने स्थान से झूलों पर आ जाते हैं और पूरे सावन मास भगवान झूले पर विराजते हैं। अश्वनी सोनकर की रिपोर्ट। अब सावन मेला का अब 2 दिन और बचा हुआ है। आज 13 तारीख जा रहा है। हमारे 2 महत्वपूर्ण दिवस अब बचे हुए हैं, खास करके कल का दिन है हमारे पास और रक्षाबंधन का दिन है, तो उसको देखते हुए समस्त तैयारियां की गई हैं। प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से अच्छी सुरक्षित व्यवस्था है और उसके अलावा संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग की ओर से विभिन्न जो कार्यक्रम अच्छे हो सकते हैं उसका भी आयोजन किया गया है। और सुरक्षा की, बैरिकेडिंग की, लाइट की, हमारा जो मेला कंट्रोल रूम है वो 24 घंटे फंक्शनल है। हमारे मैजिस्ट्रेट 24 घंटे तैनात हैं, तो पूरी मुस्तैदी के साथ जो है मेला के आयोजन की सब व्यवस्था। आज आज के दिन देखिए क्या महत्व है भगवान की, क्या परंपरा है। मधुर उपासना में ठाकुर जी को झूलन उत्सव पर विराज करके और रसिक परंपरा के जो संत हुए हैं उनके द्वारा रचित पद हैं गायन के, उसको गा करके भगवान के जो भक्तजन हैं, श्रद्धालु हैं, वो आह्लादित होते हैं और सावन के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है, ऐसी मान्यता है कि ठाकुर जी के विवाह उत्सव में इतने मणिमाणिक मिले थे कि उसको ला के जब रखाया गया तो एक पर्वत बन गया और उसका नाम हो गया मणि पर्वत। श्री धाम अयोध्या जी के जो भी मंदिर में विराजमान विग्रह हैं वो सभी ठाकुर जी मणि पर्वत पर तृतीया के दिन पधारते हैं और तभी से झूलन उत्सव 12 दिन का प्रारंभ होता है, तृतीया से लेकर और शुक्ल पूर्णिमा तक सावन के। उसी परंपरा में आज ये अभी 2 दिन का झूलन उत्सव और है 3, और कल ठाकुर जी का फूल बंगला उत्सव है। भगवान ऐसे तो त्रैताप नाशक हैं, लेकिन भक्तों की एक मान्यता है कि गर्मी अधिक होने से भगवान को पुष्पों से, जिससे ठंडक बनी रहे और सुवासित वातावरण हो, तो उस तरह फूल का बंगला सजाया जाता है और वो कल उत्सव होगा फूल बंगले का। इस तरह की परंपरा है पावन। और आप यहाँ श्री राम वल्लभा कुंज जो कि पीठ श्री स्वामी राम वल्लभा शरण जी के द्वारा स्थापित है, जो कि अपने काल के एक वशिष्ठ माने जाते थे और दर्जनों ग्रंथों की रचना की है महर्षि ने। उपासना की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं कि जो कि आश्रम के ही परंपरा श्रृंखला से जुड़े हुए हैं।